सबके नामों के मीनिंग पूछ रही है तो मुझे तो पता ही नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और लाइट नहीं है घर में, लाइट चली गई है, तो देखें कब तक आती है। लाइट आएगी तब भी आप लोग के साथ कुछ रेसिपी शेयर कर पाऊंगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, और ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और जो न्यू है तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी मैं बन रही है आज गवार फली, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और उसके जो रेशे हैं ना वो निकाल लेंगे दोनों साइड से। और उसके बाद में सब्जी अगर लाइट आती है तो मैं बता दूँगी आपको बनाना, नहीं तो फिर डिनर का शेयर करूँगी डिनर में क्या बनता है। चलिए कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जो काम है। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखेगा अंधेरे में। क्या आगे खड़ी हूँ ना, आगे हॉल में हूँ इसलिए थोड़ा उजाला भी दिख रहा है, तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा है, अंधेरा अंधेरा। एक एक करके सबको कॉफी पीने की याद आ रही है तो कॉफी बना रही हूँ मैं। लाइट अब भी आई है तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो कैपुचिनो कॉफी किस तरह से बनाते हैं, झाग वाली कॉफी, उसको आप मेरे हाउ टू मेक बाय गायत्री जो रेसिपी का चैनल है वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ईजी और सिंपल तरीके से बताया है। अभी तो स्पून से बनाने जितना झागा होता है ठीक है, बाकी बना के दे देते हैं। जो इलेक्ट्रिक हैंड ग्राइंडर है ना उससे काफ़ी अच्छे से फिटती है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा, उससे बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर मैंने लगा लिया है क्लेचर बालों को ऊपर बांध के। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर गर्मी में खुले बालों में काम कर लो ना किचन में तो पसीना पसीना हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं गवार फली की सब्ज़ी बना रही हूँ, तेल डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें लहसुन दोज के डालूँगी ढेर सारा। तो हम लोग गवार फली है ना वो लहसुन से ही बघारते हैं और इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा लहसुन लिया है, मतलब कि एक बड़ी गांठ होती है ना, मतलब 20-25 लहसुन होंगे, ये कली होगी। तो बस उसको मैंने दोष लिया, इस तरह से कद्दू कूट लिया है और गरम गरम तेल में डाल दिया है। तो बस इसको डालने के बाद इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, और हल्दी पाउडर डालने के बाद नमक डालेंगे, नमक डाल के गवार फली डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे। वैसे तो बॉईल हो चुकी है, तो बॉईल होने के बाद जिसमें पानी भर जाता है ना तो उस पानी को हमको इसको सुखाना है, और पानी सूखने के बाद तेल तेल जैसा आ जाता है। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकने देंगे। इसमें मैं ना ऊपर ही है ना मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी, इसको मिक्स नहीं करूँगी अभी मैं, नहीं तो ये पकते पकते ना धस देने लग जाएगा, मतलब मिर्ची की धस आने लग जाएगी। तो बस बिना मिक्स करे इसको मैंने ढक दिया है। और यहाँ पर मैं आटा भी सानने लग गई थी, तो आटा सानते सानते मैंने सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये पक चुकी है काफ़ी अच्छे से, और थोड़ा बहुत पानी है वो जल जाएगा, थोड़ा सा मुरझा जाएगी। और यहाँ पर जो मैंने है ना लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला, यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। तो हम लोग चिली फ्लेक्स ही डालते हैं, या फिर ग्रीन चिली हो तो वो डाल सकते हो, लेकिन चिली फ्लेक्स से अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर मैंने आटा भी सान रहा है साथ ही साथ में, तो हैंकी मेरा गिर गया था तो उसी को मैंने टक कर लिया है फिर से। और आटा भी एकदम सॉफ्ट गूंदने का एक तरीका होता है, खूब गूठी लगाया जाओ, पानी डाल के हल्का हल्का और खूब गूठी लगा जाओ तो बहुत सॉफ्ट आटा गूंदता है, और साथ में परात में इधर उधर भी नहीं चेटता है। तो इसको हम लोग परात बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा मुझे। तो देखिए ये हमारी गवार फली बन गई है, और इसको मिक्स करके मैंने फिर से ढक दिया है। मैं का आटा गूंद रहा है जब तक मैं अच्छे से और पकने देती हूँ, पूरा अच्छे तरह से मुरझा जाएगा, अच्छा तेल छोड़ देगा, यानी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मेरा आटा मतलब गूंद चुका है, तो बस अब रोटियाँ बनाती हूँ। सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है, तो यहाँ पर सलाद काट लेती हूँ। सलाद में मैं ककड़ी काट रही हूँ, टमाटर काटूँगी, बस दो ही चीज़ काटूँगी। अभी गर्मी का सीज़न है तो पानी वाली चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पर सलाद कट गया है, और इनके पापा को तो गवार फली के साथ में मतलब टमाटर ये तो चाहिए रहता, साथ में चटनी थी दीदी ने पुदीने की चटनी दी थी रात में, तो रात में तो नहीं खा पाए हम लोग उसको, लेकिन अभी मैं पुदीने की चटनी, गवार फली की सब्ज़ी, और आपने देखा है वो पालक पनीर की सब्ज़ी है जो मैं गर्म कर रही हूँ, फ्रिज में से निकाल के बहुत सारी बच गई थी तो फेंक तो नहीं सकती मैं इतनी सारी सब्ज़ी, तो उसको भी मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। तो थोड़ी सी गवार फली, थोड़ी सी पालक पनीर की सब्ज़ी, थोड़ी सी चटनी, सलाद और नमकीन, ये रहेगा आज के खाने में। तो आप लोग को मेरा ये लंच रूटीन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज थाली पूरी भर गई है खाने, मतलब बहुत कम होता है कि दो दो तीन तीन सब्जी होती है, वैसे तो एक सब्जी से ही काम चल जाता है, दाल चावल होते हैं तो एक सूखी सब्जी रहती है,
नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दो दो तीन तीन सब्जी बने। तो बस यहाँ पर देखिए ये नमकीन रख दिए मैंने और थाली सज गई है। खाना तैयार हो गया है, देखिए फटाफट खाना तैयार हुआ है, तो चलिए इनको दे देती हूँ मैं। सबसे पहली थाली गई है इनके पापा के लिए, वो खाने के लिए बैठे हैं, वो खाना खा पी के आराम करेंगे थोड़ी देर। और यहाँ पर मैं अब अनुष्का के लिए लगाऊंगी क्योंकि उसको भी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। अभी थोड़ी खाने की खुराक उसकी कम हो गई, तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी, तो थोड़ा कम ही खाना खा रही है। तो मतलब वो इतनी बड़ी हो गई ना, उससे खाना नहीं खाते बना, तो उसको मुझे ही खाना खिलाना पड़ा। फटाफट इनके पापा को रोटी सेक के दी, उसके बाद उसके लिए रोटी लेके गई। मतलब क्या खा तो रही है लेकिन रोटी को ठंडा कर रही है, जब घी की रोटी है गरम गरम सेक रहे हैं तो फटाफट खाना चाहिए। फिर मुझे ही उसको हाथ से अच्छे से मसल मसल के सब्जी में मसल मसल के और फिर खिलाना पड़ा। तो अभी बीमार भी है ना, तो उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और इस तरह से अगर बच्चों का ध्यान रखें तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आधी बीमारी तो ऐसे ही भग जाती है बच्चों की। काम पूरा हो चुका है तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इतक बहुत ही सिंपल और इजी हैंकी टक किस तरह से कर सकते हो आप। शादी पार्टी सभी में आप इस तरह से हैंकी टक करके जा सकते हैं। तो और जिनके पास बच्चे रहते हैं ना उनको तो बहुत ही ज़रूर रहता है हैंकी, तो इस तरह से आपको मतलब दिखने में भी अच्छा लगे और आपकी साड़ी का लुक भी ना बिगड़े। तो उसी तरह से मैं हैंकी आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से आप हैंकी टक कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको हैंकी टक करना बताया है और बहुत समय से रिक्वेस्ट थी कि हैंकी टक वीडियो बनाए, तो बस मैंने बना दिया हैंकी टक वीडियो। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने सब दूर की। क्या होता है कि लाइट जली रहती है, अभी गर्मी के सीज़न में वैसे भी लाइट पंखा बहुत चल रहा है तो बिजली का बिल तो लपक के आने वाला है। एक एसी और लग गया है तो एसी से और बिजली का बिल आएगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जियाँ ली थी ना, ये काका ससुर देखे गए थे सब्जियाँ, तो इनको मैंने धो के रख दी थी। तो अब इनको मैं ना नाइट में धो के रख दी थी, मैंने आपको पता ही है। और अभी मैं इनको जमा रही हूँ फ्रिज में, तो सारी सब्जी जो पुरानी सब्जियाँ उनको भी निकाल रही हूँ, साथ में फ्रेश और नई दोनों अलग अलग करके और फिर जमा दूंगी। तो उससे पहले ही मैंने 2 दिन पहले ली थी सब्जी, तो वो भी मैंने काफ़ी सारी ले ली थी, भिंडी गिल की सभी तरह की सब्जियाँ ली थी। और फिर मेरे काका ससुर भी लेके आ गए थे, तो फिर सब्जी आ गई है तो काम आ जाएगी। खैर अब गई मेरी 15 दिन तक से मुझे सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ हो गई हैं। तो बस इनको मैं व्यवस्थित रख देती हूँ, अगर ख़राब नहीं हुई तो इन्हीं को यूज़ में लेती रहूँगी और ख़त्म हो जाएगी तो फिर ले आएंगे दूसरी। लेकिन अगर लापरवाही करी मैंने, ऐसे ही रख दी इनको सब्जियों को, तो ये ख़राब ज़रूर हो जाएगी। तो इनको सबको मैं व्यवस्थित करके अच्छे से रख देती हूँ। तो अभी क्या है कि समय भी बहुत बेकार चल रहा है, अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, मतलब बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो बस सब्जी वाले जो आ रहे हैं घर पे तो उनसे ले लो जैसी सब्जी मिल रही है। लेकिन काका ससुर थे वो मंडी से लेके आए थे, तो अच्छी फ्रेश सब्जी आ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो, और कॉल करा था उन्होंने आगे से, तो फिर हमने मंगा भी ली। मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं। ये देखिए पूरा टब भरा है मेरा सब्जी से, तो बस नई पुरानी सब सब्जियों को व्यवस्थित कर देती हूँ। शिमला मिर्च ली थी वो भी रखी है, अभी कुछ बन भी नहीं पा रहा है क्योंकि अनुष्का खा नहीं पाएगी और कुछ ऐसा बनाऊंगी तो, और उसी की इच्छा पे बनता था, उसी को बहुत ऐसा कुछ खाने पीने के लिए चाह रहा था। तो अभी हाउ टू मेक भी मेरी कोई ख़ास रेसिपी नहीं डल रही, इसी तरह से नॉर्मल रेसिपीज़ बन के डल रही हैं। तो बस चलिए अब इनको जमा लेती हूँ सब्जियों को मैं।
सब्जियां सब जमा दी हैं, जो गंदा था उसको पोंछ दिया है। पोछा लगा के दीदी आए हैं तो उनसे बात कर रही हूँ मैं और पोछा भी लगाती जा रही हूँ। तो बस आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि नई वीडियो की आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग वीडियो वॉच कर सको। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी लोग घर में रहिए, सेफ रहिए। अगर काम है बाहर जाने का तो ही निकलिए, नहीं तो मत निकलिए बाहर।